अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है फर्स्ट रमज़ान और मैं जा रहा हूँ मलिर मंडी, गाँव मंडी जो है वहाँ जा रहा हूँ। अभी निकल रहा हूँ मैं फजर की नमाज से के बाद और मंडी पहुँचता हूँ, वहाँ जाके आपको अपडेट करता हूँ क्या सूरत हाल है, कि मैंने जो पैसे उठाए उस पैसे में मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता अपने मतलब का जानवर। ज़रूरी नहीं है कि मैं लेकर ही आऊँगा, अगर मुझे अपने मतलब का जानवर मिला तो मैं लूँगा, वरना फिर वापस आ जाऊँगा। वापस आके फिर आपको अपडेट करूँगा क्या सूरत हाल थी मंडी की। ले लिया तो इंशाल्लाह, कोशिश तो ये है कि ले ही लेंगे। और मेरा एक दोस्त है अवैस, वो भी अब मुझे मस्जिद में मिलेगा, तो मैं जा रहा हूँ बाइक लेके और अवैस को उठाते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों अभी तो काफ़ी अंधेरा है और फजर की नमाज़ के बाद देखते हैं कि रोशनी होती है या नहीं, क्योंकि मेरी बाइक में लाइट भी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि रोशनी के बाद ही निकलूं। लेकिन चलो पहले नमाज़ के लिए चलते हैं। दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूं और मैं अभी रास्ते में हूं, यानी कि मनोड़ा और हाथवे के बीच में हूँ। तो मैंने कहा आपको बता दूं मैं अकेला हूं और अवैस हमारे साथ नहीं आया, क्योंकि वो सीढ़ी से उतर रहा था नमाज के लिए आ रहा था, तो उसको लग गई चोट पे, चेहरे पे थोड़े से चोट लग गई है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम आराम कर लो, मैं निकल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो मैं वहाँ मंडी पहुँच के आपको देता हूँ। जब तक के लिए मैं आपको रास्ते का थोड़ा सा व्यू बता दूँ। सुबह सुबह का टाइम है और ये समंदर पे हवाएं तो नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे हैं जाल के जरिए। मलिर मंडी पहुंच आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं मलिर मंडी का व्यू। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, यानी कि रास्ता लंबा था, लेकिन मैं आपको व्यू बता रहा हूं। अभी तक मंडी लगी नहीं है, मैं पहले से पहुंच चुका हूं और जो सामने इस वक्त सामने जो जानवर नज़र आ रहे हैं, ये तो पहले से इनके पास जो ये बने हुए ना बाड़े, इसमें बंधे होते। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ अनलोड हो रही है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भैंसे हैं, जैसे जैसे बछड़े आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और जो हमें पसंद आएगा तो इंशाल्लाह यहाँ से ले कर ही जाएंगे। कोशिश ये होगी, मतलब ज़रूरी वाला नहीं है, अगर ले लिया तो ले लिया, वरना कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे। काफ़ी बड़े जानवर यहाँ खड़े हैं और मैं लूँ या ना लूँ, मेरा शौक तो यहाँ देख देख के पूरा हो रहा है। मैं रेट नहीं लूँगा इनको, बस जानवर देखूँगा। और मुझे एक बच्चा पसंद आया, मैंने इनसे कहा है कि ये मुझे बेच दो, तो कह रहा है कि अपनी माँ के साथ है, वो इसकी माँ बैठी हुई है। फिर भी मैंने इससे थोड़ी रिक्वेस्ट की है, तो वो पूछने के लिए गया है। अगर ये मुझे बेचेगा तो मैं कोशिश करूँगा ये ले लूँगा। और बहुत प्यारा एक बकरा भी मुझे नज़र आया, बच्चा है, बहुत प्यारा है। लेकिन यहाँ के जो रेट है ना वो कुछ ज़्यादा ही होंगे, चाहे ये बच्चा हो या वो हो, इसलिए मैं इनसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ से अभी जानवर आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो आपको बताऊँगा। सारा वो माल है, सिंध का माल है, थरी जो माल कहते हैं वही लग रहा है, लेकिन उतरेगा तो फिर देखते हैं। यहाँ काफ़ी रश लगी हुई है, गाड़ी के अंदर ही सौदे हो रहे हैं, यहाँ जो जो सामने नज़र आ रहे हैं। गाड़ी में से माल उतरता है तो आपको अपडेट देता हूँ मैं। इस गाड़ी से ये पहला जानवर उतरा है, इसका मैंने रेट पूछा तो ये 140 कह रहा है, लेकिन ये 140 वाली है नहीं, बछड़ी है, ये पहला जानवर है। और भी गाड़ियां आना शुरू हो गई है, एक गाड़ी एक ये लग रही है,
इसके अंदर देखते हैं बाकी गाड़ियाँ वो आ रही हैं। इसके अंदर तो भीड़ से ये एक ही एक बछड़ी नज़र आ रही है, वो भी 150 की गाड़ी है, 2-3 बछड़े हैं उसके अंदर। तो गाड़ी से एक बेहतरीन बछड़ा निकला और इसका जो है वो सौदा हो ही गया माशाल्लाह। अभी तक बता नहीं रहे, एक दूसरे के कान में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि सौदा हो गया, अलग कर लिया, इस भाई ने ले लिया। बाकी अनलोडिंग हो रही है, कोई अपने मतलब का भी इंशाल्लाह निकल आएगा। यहाँ से भी मंडी में जानवर आना शुरू हो गए, जो मैंने गेट से बताया था कि यहाँ से आएंगे। अभी बात करते हैं इनसे जाके, जो मुझे पसंद आएगा इसका इसके जाके बात करते हैं। उसके इसमें एक 35 बताए, लेकिन वो पक्का खीरा है, यानी कि मुझे तो 2 दांत चाहिए भाई ताकि कुर्बानी के काबिल हो। अभी और भी आ रहे हैं, देखते हैं इनमें से कोई हो जाए। ओह माशाल्लाह, वो लग रहे अपने मतलब के। इसकी बात करता हूँ और इनकी बात करते हैं। दोस्तों सुबह जब हम आए और यहाँ क्या था और अब इस वक्त जो कंडीशन है, बारिश आप देख सकते हैं, ये तो सिर्फ ऊपर की है, यहाँ अभी भी खाली है। रमज़ान का पहला रोज़ा है आज, तो हो सकता है इस वजह से। अभी भी देखते हैं कब तक आती है पब्लिक। सारे ये 5 टांगों वाला जानवर है, 4 तो इसकी ये रही और एक ये भी टांग ही है। देखे इसमें जो खुड़ है वो भी निकला हुआ है, नाखून जो होता है वो टांग है ये भी। अल्लाह का कुदरत है, 5 टांग। तो फाइनली हमारा सौदा हो गया है और अब जो है हम जा रहे हैं, अपने बछड़ी आपको दिखा रहे हैं। सौदा होते वक्त बछड़ी नहीं दिखाई थी और मैं अभी बाइक के पास आया हूँ तो हेलमेट गायब है। चलो होता रहता है, मैं बाइक निकाल रहा हूँ और बछड़ी में आपको बाहर गाड़ी में लोड होते वक्त दिखाऊंगा। हमने 120,000 में जो है वो बछड़ी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और खुशी में ही थे। जो जानवर परचेज किया उसके चक्कर में मैंने लोडिंग की वीडियो तो नहीं बनाई थी। अब ये क्या अनलोड हो रहा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो है वो गाय आ चुकी है, अनलोडिंग भी हो गई क्योंकि मैं अकेला था, मैं ही अनलोड कर रहा था, तो डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ बांधने के बाद। ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना कमेंट में। अब ये छोटी लग रही है इसके मुकाबले में। तो कसवा भी उठ के आ गई, कसवा आ गई गाय, कौन सी आपकी अब दोनों में से है? कसवा तो अभी नींद से उठ के आई है। और चलो अब मैं अपने दूसरे काम करता हूँ, जब तक ये आराम कर ले, फिर इनको खाना वगैरह देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।